गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर थर्ड चैप्टर, दैट्स नेम इज हाउ मैनी स्क्वेयर्स। हाउ मैनी स्क्वेयर्स। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फिगर्स का एरिया निकालना सीखा, उसी को आज इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो देखते हैं। हमारा है ट्रायंगल्स। एक लड़की है जो कि बात कर रही है इस फिगर के बारे में। ये क्या है? एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के अंदर जो है एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का हमारा ट्रायंगल बना हुआ है। उसी से रिलेटेड कुछ बातें चल रही है, देखते हैं क्या बातें हो रही है। ये समीना बात कर रही है। बोथ द बिग ट्रायंगल्स इन दिस रेक्टेंगल हैव द सेम एरिया। जो ये ब्लू वाली ट्रायंगल है और ये रेड वाली ट्रायंगल है, इन दोनों का ही एरिया सेम है। तो ये सदिक जो है ये क्या कहता है? बट दीज लुक वेरी डिफरेंट। दोनों ही डिफरेंट दिख रही है, और आप भी देखेंगे तो ये आपको भी देखने में डिफरेंट ही लगेगी। तो पूछ रहा है कि ये डिफरेंट है, और वो कह रही है कि इसका एरिया इक्वल है। तो देखिए कैसे इक्वल है। द ब्लू ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल। एरिया ऑफ द बिग रेक्टेंगल इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो द एरिया ऑफ द ब्लू ट्रायंगल इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। कह रहा है ब्लू ट्रायंगल जो है वो हाफ है रेक्टेंगल का। तो एक बार पहले हम देख लेते हैं। तो ये हमारा रेक्टेंगल बना हुआ है, और ध्यान से अगर देखें जो ये ब्लू वाली लाइन ये जा रही है, इसको हम डायगोनल बोलते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, जब डायगोनल ड्रॉ किया जाता है तो वो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाला पार्ट, ये वाली ट्रायंगल, ये पूरी, इन दोनों का जो है ये क्या है? इक्वल है। और वो कह रहा है कि ये पूरी जो रेक्टेंगल है इसका एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और ये वाली हाफ है ब्लू वाली। तो इस ब्लू वाली का एरिया कितना होगा? चलिए, तो क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि बताया गया है। ठीक है, गिवन है। सो एरिया ऑफ ब्लू ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होगा? क्या होगा? हाफ होगा। हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल हाफ क्यों हो गया? क्योंकि उसमें जो है डायगोनल बना है, और डायगोनल ने टू इक्वल पार्ट्स में रेक्टेंगल को डिवाइड कर दिया है। और ऑलरेडी इसने कहा भी है कि जो ब्लू वाली है वो उसके हाफ है रेक्टेंगल की। तो लीजिए, मैंने हाफ कर दिया किसके एरिया के? रेक्टेंगल के एरिया के। अब रेक्टेंगल के एरिया के मैंने हाफ कर दिया, तो लीजिए, और रेक्टेंगल का एरिया कितना था? 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये लीजिए, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर का हाफ जैसे ही मैंने कहा किया। तो अब देखिए, अब यहाँ पर दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तरीका तो ये है कि मैं डिवीज़न मेथड का यूज़ करूँ और ऐसे करके 20 को 2 से डिवाइड कर दूँ, है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा, जिस फॉर्म में मैंने लिखा है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या होता है? ये जो 2 है इसका मतलब ये मल्टीप्लाई जैसे ही लगा है, इसका मतलब यहाँ हम इसको कट कर सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं 20 बन जा 20, और नीचे कुछ नहीं है तो 2 बन जा 2 ही होगा। लीजिए,
तो 2 1 2, 2 की टेबल में 20 आता है जी, कितने पे आता है, 10 पे, 2 10 20, तो हमारा आंसर क्या आया, 10 cm². तो एरिया ऑफ ब्लू ट्राइंगल कितना हो गया, 10 cm², ये लीजिए 10 हो गया। चलिए एंड व्हाट अबाउट द रेड ट्राइंगल, कहता है ये कहती है कि और रेड ट्राइंगल का क्या, चलिए उसके लिए क्या करेंगे, कैसे निकालना है, चलिए अब तरीका बताया जा रहा है उसके लिए। इन इट देयर आर टू हेल्प्स ऑफ टू डिफरेंट रेक्टेंगल, रेड ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बनी थी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो किया था उसमें क्या किया था, उस फिगर को रेक्टेंगल्स में स्क्वेयर्स में डिवाइड कर लिया था। अब इधर भी टू हेल्प्स बन रहे हैं, देखिए एक तो ये ऑरेंज कलर की है और एक ये ग्रीन कलर की है, तो इस वाले का एरिया निकालिए और इस वाले, ये वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालिए और ये वाला रेक्टेंगल का एरिया निकालिए, और देखिए ये दोनों ही रेक्टेंगल का ये डायगोनल है, यानी कि ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो दोनों ही रेक्टेंगल का अगर हाफ हाफ करके हम प्लस कर देंगे तो हमारे ट्राइंगल का आ जाएगा ना। चलिए तो देखते हैं, पहले इस ऑरेंज वाले रेक्टेंगल का देखते हैं, ये वाली साइड कितनी हो गई, 1 2 3 3 cm हो गई, और ये वाली साइड कितनी हो गई हमारी, 1 2 3 4 4 cm हो गया है ना। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इन टू ब्रेथ, ये एरिया होता है ना हमारा, चलिए तो 4 cm इंटू 3 cm, तो कितना आएगा, नंबर के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर या मीटर की सेंटीमीटर या मीटर से करेंगे, तो 4 3 जा कितना हुआ जी, 12 हुआ, ये लीजिए 12। अब सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर कितना होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना आया इस वाले का, 12 cm². अब इस पूरे उसका तो जो है 12 हो गया है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो इक्वल है, यानी कि ये वाला पार्ट अगर निकालेंगे इसका हाफ कर देंगे पूरे रेक्टेंगल का, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, तो 12 का हाफ क्या होगा, 12 का हाफ 6 होगा, ये वाला एरिया हमारा 6 cm² आया, ये इस वाले में ये 6 cm² हो गया है ना। तो अब ये वाला निकालना है, इसका निकालने के लिए सबसे पहले हम ग्रीन वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, चलिए तो ग्रीन वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, ये वाली साइड कितनी है, 1 2 2 cm, और ये वाली साइड कितनी है, 4 है ना, लीजिए 4 cm। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हम लोगों को मालूम है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है, 4 cm, ये लीजिए 4 cm, ब्रेड्थ कितनी है, 2 cm, ये लीजिए 2 cm। अब फिर से वही नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई, 4 2 8, ये लीजिए, और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये पूरा जो आ गया ये 8 cm है, और हम लोगों को मालूम है ये पूरे रेक्टेंगल का हाफ है ये वाले ट्राइंगल, तो 8 का हाफ कर देंगे, 8 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 4 cm². तो अब देखिए ये वाला 6 cm² है ये वाले ट्राइंगल, ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन हमारा 4 cm² है, ये 6 cm², ये वाला 4 cm², लेकिन हमें क्या निकालना है, ये पूरा निकालना है पूरी ट्राइंगल का, तो पूरी ट्राइंगल का निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको और इसको प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 6 cm² प्लस 4 cm², तो 6 और 4 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा जी, 10, तो 10 cm², ये हो गया हमारा आंसर। और उस वाली ट्राइंगल का भी कितना था एरिया, 10 cm², तो दोनों ही ट्राइंगल हो गए ना इक्वल। चलिए तो इससे आगे चलते हैं, अब यहाँ पर क्या कहते हैं, यस यू आर राइट
And you know what? You can draw many more triangles of area 10 square centimeter in this rectangle. Try drawing them. कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, क्या तुम जानते हो कि इस तरीके की 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की बहुत सारे ट्रायंगल्स आप रेक्टेंगल में ड्रॉ कर सकते हो, आप ट्राई कीजिए ड्रॉ करने के लिए. हेल्प सदीक इन फाइंडिंग सम मोर सच ट्रायंगल्स, ड्रॉ एट लीस्ट 5. कहते हैं कि सदीक की इस तरह की कुछ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने में मदद कीजिए, एटलीस्ट 5 ट्रायंगल्स तो ड्रॉ करनी है. ठीक है, कंप्लीट द शेप्स. सुरुचि ड्रू टू साइड्स ऑफ अ शेप. सुरुचि एक लड़की है जिसने किसी शेप की टू साइड्स ड्रॉ की है. सी आस्क्ड आसिफ टू कंप्लीट द शेप विथ टू मोर साइड्स. वो आसिफ से पूछती है कि और दो साइड्स ड्रॉ कैसे की जाए, सो दैट इट्स एरिया इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, जिससे कि उसका एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाए. ये आसिफ है और ये है सुरुचि. देखिए सुरुचि ने टू लाइन ड्रॉ की है इस रेक्टेंगल में और आसिफ ने उसकी हेल्प करके जो है टू मोर लाइंस ड्रॉ कराई है. ठीक है, अब जो है सुरुचि पूछती है आसिफ से, हाउ डिड यू डू दिस, तुमने ये कैसे किया. ओ दैट्स इजी, इफ़ यू लुक एट द ग्रीन एरिया इट इज़ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, बिलो इट इज़ द येलो एरिया ऑफ 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो द एरिया ऑफ शेप इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. कहता है कि ये बहुत ही इजी है. देखो जो ये ग्रीन वाला पोर्शन है इसका एरिया जो है वो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है और जो येलो वाला एरिया है वो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर है, जिससे कि मेरी शेप का एरिया टोटल कितना हो गया, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, अच्छा जी फिर आगे देखते हैं. इज ही करेक्ट, डिस्कस, क्या ये ठीक है, डिस्कस कीजिए. चलिए देखते हैं सही है या गलत है. यहाँ पर हम काउंट करेंगे स्क्वायर्स को. सबसे पहले हम ग्रीन वाले पोर्शन में चलते हैं. ठीक है जी, ग्रीन वाले पोर्शन में गए. यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो कंप्लीट वाले जो हमारे ट्रायंगल्स है, सबसे पहले हम वो वाले ट्रायंगल को देखेंगे. पहले ये लीजिए 1 2, तो कंप्लीट वाले हमारे 2 हो गए. अब इन दोनों स्क्वायर्स को देखिए, दोनों ही हाफ हाफ है. अगर इन दोनों स्क्वायर्स को हम प्लस कर दें तो क्या एक स्क्वायर बन जाएगा हमारा, तो 1 स्क्वायर यहाँ से हो गया. ठीक है, ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर, ये भी हाफ है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से भी 1 स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, है ना. 1 2 3 4, यानी कि जो आसिफ ने कहा ये ग्रीन वाले पोर्शन का जो एरिया है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब येलो वाली में देखते हैं. येलो वाली में देखिए ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं, येलो वाली में देखिए ये वाला स्क्वायर कंप्लीट है, ये वाला और ये वाला, ये 3 स्क्वायर जो है हमारे कंप्लीट है. और ठीक है, 3 स्क्वायर जो है कंप्लीट है. आप देखिए, अब इस वाले स्क्वायर की बात करें और इस वाले स्क्वायर की बात करें, तो अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये 1 स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा. अब इस वाले स्क्वायर में देखिए यहाँ पे जरा सा बचा है और इस वाले स्क्वायर में देखिए ये जरा सा कवर करता है. अगर इसको यहाँ पर ऐड कर दिया जाए तो ये वाला भी 1 कंप्लीट हो जाएगा, है ना. अब देखिए बचा क्या है हमारा, ये वाला और ये जो पोर्शन एक्स्ट्रा है, ये इस एक्स्ट्रा वाले पोर्शन को अगर हम यहाँ ऐड कर देते हैं तो 1 स्क्वायर यहाँ से भी कंप्लीट हो जाता है हमारा, है ना. तो कितने स्क्वायर हुए, 1 2 3, और ये 3 स्क्वायर्स ऑलरेडी थी, ये वाले 1 2 3, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 3 स्क्वायर सेंटीमीटर कितने हो गए, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. यानी कि जो येलो वाला है वो हमारा कितना है, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, जैसा कि आसिफ ने कहा था, और ये वाला 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. यानी कि आसिफ ने सही कहा, इसके पूरी जो ये शेप है इसका एरिया कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. चलिए आगे देखते हैं. एक्सप्लेन हाउ द ग्रीन एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द येलो एरिया इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये हम लोग करके देख चुके हैं ऑलरेडी,
कि किस तरीके से ये 4 है और ये किस तरीके से ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको ये जैसे मैंने करके दिखाया आपको वैसे ही इसको करना होगा, ठीक है जी। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इस क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क, और आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय।